Welcome to my YouTube channel Technical Salman. सो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, टेक्निकल सलमान चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो चलिए सो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं वीवो Y24 में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्क्रीन लॉक के बारे में। हाँ दोस्तों, वीवो Y24 में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट के बारे में आज आप लोग को बताने वाला हूँ। फाइनली दोस्तों, आपको थंबनेल पे टाइटल में देखने को मिल गया होगा, तो आज मैं आप लोग को इसी के बारे में बताने वाला हूँ, वीवो Y24 में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट के बारे में। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को एंड तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, ताकि मैं आप लोग को सब कुछ बता सकूं स्टेप बाय स्टेप। तो चलते हैं दोस्तों, वीडियो को शुरू कर लेते हैं। इससे पहले हमारे वीडियो को लाइक कर लेना और इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप लोग फॉलो कर लेना। अगर आप चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को इंप्रेस कर लेना, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो फाइनली दोस्तों, आज हम आप लोग को बताने वाले हैं वीवो Y24 में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट के बारे में। हाँ जी दोस्तों, चलते हैं अपने फोन के स्क्रीन पे और आप लोग को चल के बता देता हूं। तो फाइनली दोस्तों, साइड में स्क्रीन रिकॉर्डिंग देखने मिल जाएगा। तो यहां पे सबसे पहले मैं यहां पे इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट का डेमो आपको दिखा देता हूं। तो यहां पे जैसे अपने फोन को लॉक करता हूं और यहां पे मैं अनलॉक करता हूं, तो यहां पे आपको स्क्रीन पे देखने को मिल जाता है। तो आप लोग देख सकते हैं मेरा फोन फट से अनलॉक हो जा रहा है। यहां पे दोबारा से मैं दिखाता हूं, तो यहां पे मेरा फोन अनलॉक हो जा रहा है। तो इसी तरीके से आप भी अपने वीवो के Y24 में इसको यूज कर सकते हैं। तो मैं आप लोग को बताने वाला हूं कैसे आपको यूज करना है। तो यहां पे आप लोग को दिखा देता हूं, तो फोन अनलॉक हो चुका है। दोबारा मैं दिखाता हूं, तो फोन अनलॉक हो चुका है। तो आपको इसको लगाने के लिए आपको क्या करना होगा, एक थिम्स को डाउनलोड करना होगा। उस थिम्स का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं, वहां से आप लोग जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। और एक थिम्स ऐप आता है, वीवो थिम्स करके एक ऐप आता है, उसको भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्ले स्टोर में अवेलेबल है, या तो इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो फाइनली दोस्तों, आपको चलकर दिखाता हूँ कौन सा एप्लीकेशन है, इसके बारे में बहुत सारे वीडियो बनाया हुआ हूँ। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये वाला थिम्स है, जो कि इसको आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद आपको इसको जैसे ओपन करेंगे, कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको देखने को मिल जाएगा। अब जैसे यहाँ पे इस तरीके के इंटरफेस देखने को मिल जाता है, उसके बाद यहाँ पे आपको बहुत सारे थीम्स यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ से आप थीम्स को अपने पसंद से डाउनलोड कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, आपको थ्री एडिट पे क्लिक करना है। अब जैसे थ्री एडिट पे क्लिक करते, उसके बाद यहाँ पे आपको फन टच ओएस देखने को मिल जाएगा। फन टच ओएस पे आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे यहाँ पे क्लिक करते हैं फन टच ओएस पे, तो यहाँ पे आपको थीम्स नीचे देखने को मिल जाता है, ये वाला थीम्स है, आपको इसको डाउनलोड कर लेना है। अब जैसे इसको ओपन करते हैं, तो यहाँ पे आपके फोन पे ऐड आएगा, तो ऐड को आपको स्किप कर देना है। यहाँ से स्किप करने के बाद आपको यहाँ पे दो ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, एक चेंज थीम्स, एक डाउनलोड का ऑप्शन। तो आप सबसे पहले यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक कर देना। अब जैसे डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, तो आपका थीम्स यहाँ पे डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा, जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो ये थीम्स जैसे यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा, उसके बाद आपको यहाँ पे सक्सेसफुल ओके का ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद आप ओके पे क्लिक करके चेंज थीम्स पे क्लिक कर देंगे, तो आपके वीवो के आई थीम्स में आपका थीम्स ऐड हो जाएगा। यहाँ पे मैं आप लोग को चलता हूँ बैग, अब बैक चल के मैं आप लोग को दिखाता हूं। तो यहां पे मेरे वीवो के आई थीम्स में आप लोग चल के देख सकते हैं। अब मैं यहां पे लोकल पे चलता हूं, उसके बाद यहां पे लोकल थीम्स पे चलता हूं। अब जैसे यहां पे लोकल थीम्स पे आता हूं, तो यहां पे मैंने अपने फोन में पहले से इस थीम्स को ऐड कर लिया था, यहां पे डाउनलोड करके यूज किया, फिर आप लोग के लिए मैं बनाया हूं वीडियो। तो फाइनली दोस्तों, यहां पे इसको जैसे आप ऐड कर लेंगे, उसके बाद आप लोग इसको थीम्स को जाके अपने फोन में अप्लाई कर सकते हैं। यहां पे इसको अप्लाई का ऑप्शन भी यहां पे आप लोगों को देखने को मिल जाता है। अप्लाई करने के बाद आप यहां पे जैसे अपने फोन में स्क्रीन लॉक को लॉक करेंगे, उसके बाद आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। इस पर आप जैसे क्लिक करेंगे, तो आपका फोन अनलॉक हो जाएगा। आपको जैसे स्क्रीन पर दिख रहा होगा, यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, तो मेरा फोन यहाँ पे अनलॉक हो जा रहा है। तो इसी तरीके से आप लोग भी जाके अपने वीवो के Y24 में इसको यूज कर सकते हैं, जो कि अच्छे से थीम्स वर्क करता है। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट के तरह ये काम कर रहा है और सभी डिवाइसों में ये अच्छे से काम करेगा। तो फाइनली दोस्तों, एक इस थीम्स को आप लोग जाके अपने वीवो के Y24 में एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा, जो कि अच्छे से ये वर्क करता है। मैंने अपने फोन में इसको यूज किया, उसके बाद आप लोग के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो फाइनली दोस्तों, चलिए आज के लिए इतने ही। आई होप अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए। फिर मिलते हैं किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।